हेलो विद्यार्थियों, देवियों, मैं सुदीक्षण कुमार पांडे। ये संस्कृत गद्य गरिमा का अंतिम भाग है जिसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। कई बार रिपीट रिपीट करके अगर पढ़ना पड़े तो पढ़ें, लेकिन दो पाठ मैं आप चूँकि पढ़ा चुका हूँ, तीसरा पाठ है, लेकिन बीच में एक जो पाठ पढ़ाया था वो आपके योग्य नहीं है क्योंकि उसको हटा दिया गया है। इस लिहाज से दूसरा पाठ होगा, तीसरा की जगह दूसरा होगा। दार्शनिकै धर्माचार्यैः पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः। दार्शनिकै दार्शनिकों को के द्वारा, धर्माचार्यैः धर्माचार्यों के द्वारा, पौराणिकैश्च और पौराणिकों के द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा और पौराणिकों के द्वारा, इन सभी के द्वारा धर्म परिभाषिता, धर्म की परिभाषा दी गई है, धर्म को परिभाषित किया गया है। यथा जैसे, क्या परिभाषित किया गया है, जैसे कि यतो माने जिससे, यानी जिस बिंदु से, जिस चीज से, जिस थिंग से अभ्युदयानि अभ्युदय होता है श्रेय सिद्धि का, यानी यतः, यतो माने यतः, जिससे अभ्युदय, जिससे अभ्युदय होता है, जिससे उन्नति, अभ्युदय माने अभ्युदयान माने उन्नति, जिससे उन्नति और श्रेयस की सिद्धि होती है। श्रेयस का मतलब होता है कल्याण। कौन सा कल्याण? पारलौकिक कल्याण। यतः माने जिससे, जिस चीज से, जिस ज्ञान से, जिस बिंदु से उन्नति और क्या श्रेयस की सिद्धि होती है, उन्नति और पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है कि प्राप्ति होती है, सह धर्म वही धर्म है। अब धर्म की परिभाषा इसमें चल, इस अनुच्छेद में यानी पैराग्राफ में चल रहा है। यतः यस्मात, जिस जिस कर्मणः माने कर्म से, यतः यस्मात कर्मणः, जिस जिस कर्म से, अर्थात जिस जिस कर्म के करने से इह लोके, इस लोक में कल्याणम जायते, कल्याण मिलता है, कल्याण की उत्पत्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। यतः यस्मात, जिस जिस से, कर्मणः माने कर्म से, जिस जिस कर्म से, यानी जिस जिस कर्म के करने से इह लोके, इस संसार में, पृथ्वी लोक पर कल्याणम जायते, कल्याण की प्राप्ति होती है। परत्र परलोके, और परत्र माने दूसरे, यह माने इस, और परत्र माने उस, यानी दूसरे, और उस अर्थात दूसरे परलोके माने परलोक में, और उस दूसरे परलोक में शोभनम स्थानम जनई ही लभ्यते। जनई ही माने लोगों के द्वारा, व्यक्ति के, व्यक्ति के द्वारा शोभनम स्थानम लभ्यते, सुंदर पद की प्राप्ति होती है। जिस जिस कर्म से, जिस जिस कर्म के करने से इह लोके कल्याणम जायते, इस लोक में कल्याण होता है, और परत्र परलोके, और परत्र माने दूसरे परलोके माने परलोक में, और उस दूसरे परलोक में जनई ही लोगों के द्वारा, यानी मरने के बाद लोगों के द्वारा शोभनम स्थानम लभ्यते, सुंदर स्थान की प्राप्ति करते किया जाता है, सुंदर पद की प्राप्ति होती है। नरका पातो न भवेत एन, एन माने जिससे, अर्थात जिस कर्म के करने से नरका पातो न भवेत, नरका पात नहीं होता है, अर्थात नरक गामी, नरक में गमन नहीं होता है। सह धर्म वही धर्म है, उसी को धर्म के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखें, एवं इस प्रकार महाभारते, महाभारत में, इस प्रकार महाभारत में ध्रियते धर्मः, धारणात् धर्म,
ध्रियते धर्म धारणात् माने धारण करने से धर्म है, ध्रियते धर्म जिसके धारण करने से इसका नाम धर्म है। ध्रियते जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है, ध्रियते धर्म धारण किया जा सके वह धर्म है, धारणात् धर्म धारण करने से धर्म माने धर्म है, यानी जिससे ध्रियते धर्म जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है, और जो जिससे और धारण करने के कारण धर्म है। यतः धार्यते, यतः जिससे धार्यते माने धारण, यतः माने जिसे क्या धार्यते माने धारण किया जाता है, प्रजा माने लोगों के द्वारा, मतलब जिसे लोग धारण करते हैं वह धर्म है। मतलब ये हुआ यतः जिससे यानी जिसे प्रजा माने प्रजा लोग धार्यते माने धारण करते हैं वह धर्म है। इसी कारण से ध्रियते धर्म धारण किया जा सके वह धर्म है, धारणात् धर्म धारण करने से धर्म है। क्या यतः माने जिसे प्रजा माने प्रजा धार्यते माने धारण करते हैं, धारण करने से धर्म है, जिसे प्रजा लोग धारण करते हैं इसलिए उसका नाम धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्रकार मनु का शब्द है, धर्मशास्त्रकार जो मनु है उनके द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिंद्रिय निग्रह धीह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अब दशकम धर्म लक्षण, दस धर्म के लक्षण होते हैं क्या? धृति ही माने धैर्य, धृति ही धैर्य, दूसरा क्षमा धैर्य धारण करना, क्षमा करना, दमो दम करना, दम धातु होता है दमन से, यानी मन का दमन करना, यानी मन पर बस करना, दम है मन पर बस करना। स्ते माने होता है चोरी, अस्ते माने होता है चोरी ना करना। शौचम पवित्रता, शौचम माने पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जनित क्रियाओं से दूरी बनाना, इंद्रिय जनित क्रियाओं से दूरी बनाना, समझ में आ रहा होगा। धीह माने बुद्धि, बुद्धि का होना, और क्या? विद्या बुद्धि विद्या सत्यम सत्य अक्रोधो और क्रोध ना करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये दस धर्म के लक्षण हैं। कितने? दस। कौन? धृति धैर्य क्षमा दमो, दम यानी मन को वश में करना, अस्तेयम का मतलब होता है चोरी ना करना, शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर नियंत्रण, और क्या यानी इंद्रियों के क्रियाकलापों से दूर रहना, और क्या? धीह बुद्धि विद्या, और क्या? सत्यम सत्य, अक्रोधो क्रोध ना करना। दशकम धर्म लक्षण, ये दसों धर्म के लक्षण हैं। मनुस्मृतौ मनुस्मृति में दस स्वरूप को धर्म उपवर्णित, दस स्वरूपो धर्म उपवर्णित, धर्म के दस स्वरूप का उपवर्णित माने वर्णन है, यानी मनुस्मृति में धर्म के दस स्वरूप का उपवर्णन है, धर्म के दस स्वरूप का वर्णन किया गया है, ठीक है। और क्या यानी मनुस्मृति में धर्म के दस स्वरूप उपवर्णित हैं, और क्या? इत्थम माने इस प्रकार धर्माचरणे माने धर्म के आचरण में, नैतिकता चरणे च नैतिकता के आचरण में, क्या? सांकर्यम उपलभ्यते मिश्रण पाया जाता है, सांकर्यम माने मिलावट यानी मिश्रण पाया जाता है। इत्थम इस प्रकार धर्माचरणे धर्म के आचरण में,
नैतिकता चरणे च, और नैतिकता के आचरण में सांकर्यम उपलब्धते, सांकर्यम उपलब्धते, सांकर्य पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। और इस प्रकार आपको जानने की जरूरत है कौन सा धर्म है, कौन सा नैतिकता का आचरण है, उसको अलग अलग करने का प्रयास इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में किया गया है। तीर्थाटनम पावनासु नदी सुस्नानम, तीर्थाटनम पावनासु नदी सुस्नानम, यजनम याजनम, गुरु सेवा, मातृ पितृ सेवा, संध्या वंदनम, षोडश संस्कारा, एते मुख्य रूपेण धर्मपदवाच्याः। हाँ, तीर्थाटनम तीर्थाटन करना, तीर्थयात्रा, पावनासु नदी सुस्नानम, पावनासु माने पवित्र, नदी माने नदियों में, स्नानम माने स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ कराना, यज्ञ करना भी और यज्ञ कराना भी, गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना, मातृ पितृ सेवा, माता और पिता की सेवा, संध्या वंदनम, संध्या वंदन करना, पूजा पाठ, षोडश संस्कारा और सोलहो संस्कार, एते माने ये, यानी ये सभी मुख्य रूपेण, मुख्य रूप से धर्म पद वाच्य, धर्म पद के वाचक हैं, ये सब मुख्य रूप से धर्म पद के वाचक हैं, अर्थात धर्म के पद कहलाते हैं। एषु कर्मसु नीते मिश्रणं ना, एषु कर्मसु, इन कर्मों में, यानी जो अभी अभी बताया गया तीर्थाटन से लेकर के षोडश संस्कार तक, एषु कर्मसु, इन कर्मों में नीते, नीति का मिश्रणम नास्ति, मिश्रण नहीं है, इन कर्मों में नीति का कोई भी मिश्रण नहीं है, यानी इनका, इन 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 कर्मों में नैतिकता के आचरण का, नैतिकता का यानी नीति का कोई भी मिश्रण नहीं है। अब अतः धर्मो व्यापक, अतः धर्म तो व्यापक है, अतः धर्मो व्यापक, अतः धर्म व्यापक है। षोडश संस्कारा, सोलहो संस्कार, एते माने ये मुख्य रूपेण, मुख्य रूप से धर्म पद वाच्य, धर्म पद के वाचक है। अतः धर्मो पदो धर्म, अतः धर्मो व्यापक, धर्म व्यापक है। षोडश संस्कार, सोलहो संस्कार, एतो माने ये सोलहो संस्कार मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्या, धर्म पद के वाचक है। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणं नास्ति, इस कर्म में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्मो व्यापकः, अतः धर्म क्या है, व्यापक है। इस प्रकार पढ़ चुके, अतः धर्म क्या है, व्यापक। फिर आगे देखते हैं, धृतिः, धृति ही दया, सहिष्णुता, सत्य परोपकाराद्याचरणेषु द्वयोः सांकर्यमस्ति। अब किसमें जो है क्या क्या है, धृति ही दया, सहिष्णुता, धृति माने धैर्य, दया माने दया, और सहिष्णुता माने सहनशीलता, जिसको टॉलरेंस बोलते हैं, टॉलरेंस। धृति माने धैर्य, पेशेंस, दया, मर्सी, कंपैशन, और क्या, सहिष्णुता, टॉलरेंस यानी सहनशीलता, सत्य, ट्रुथ, और क्या, परोपकार, परोपकार आद्याह, परोपकार आदि, ये जो ग्रेटिट्यूशन है, ये परोपकार आदि, आचरणे सुमाने आचरणों में द्वयोः सांकर्यम अस्ति, दोनों का मिलावट है, दोनों का मिश्रण है, किसका, धर्म का और नैतिकता का, यानी धर्म और नीति दोनों का ही मिश्रण है, किसमें, धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकार आद्याचरणे द्वयोः सांकर्यम अस्ति, धृति दया सहिष्णुता, धृति दया और सहिष्णुता, सत्य और परोपकार आदि आचरणेषु, आचरणों में, द्वयोः, इन दोनों का ही, धर्म और नीति यानी नैतिकता दोनों का ही सांकर्यमस्ति, मिश्रण है, मिलावट है। परम एतत् निश्चितम, परम माने किंतु, एतत् माने यह, निश्चितम माने निश्चित है, किंतु यह निश्चित है,
यत की द्वयोर आचरणेन द्वयोह आचरणेन दोनों के आचरण से लोकस्य माने संसार का परम कल्याणम जायते, वह संसार का अत्यंत कल्याण ही होता है। क्या मतलब? परम एतत् निश्चितम, किंतु यह निश्चित है कि यत माने कि द्वयोर आचरणेन द्वयोह आचरणेन दोनों के आचरण से लोकस्य इस लोक का इस संसार का अर्थात लोगों का परम कल्याणम जायते, कल्याण ही होता, परम कल्याण अत्यंत कल्याण होता है। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकतायाः गुणाः, नीतिकाराणां मते नीतिकारों के मत में मतानुसार इमे माने ये नैतिकतायाः गुणाः नैतिकता के गुण, यथा नीतिकारों के मत में इमे माने ये जो नैतिकतायाः गुणा नैतिकता के गुण हैं, यथा जैसे जीव हिंसायाः विरक्ति, जीव हिंसा से विरक्ति यानी जीवों की हिंसा से छुटकारा पाना, जीवों की हिंसा से दूर रहना, पर धनापहरणान निवृत्ति ही, पर धन अपहरणान निवृत्ति, पर धन अपहरणात निवृत्ति ही, दूसरों के धन की का अपहरण करने से छुटकारा पाना निवृत्ति, दूरी बनाए रखना, सत्य भाषणम सत्य भाषण करना सत्य बोलना, पैशून्यात निवृत्ति, पैशून्य माने होता है चुगली, पैशून्यात निवृत्ति ही, चुगली से छुटकारा पाना चुगली से दूर रहना, और क्या सत्य पात्रेभ्यादीने व्यादानम, सत्य पात्रेभ्य सच्चे पात्र को दीने भ्यः च, और दरिद्रों को यानी निर्धनों को दानम माने दान देना, अतिलोभात वितृष्णा अतिलोभ से घृणा करना, अतिलोभ से वितृष्ण होना अतिलोभ से दूर रहना, दया सहिष्णुता परोपकारः, दया सहिष्णुता परोपकार, गुरुजनेषु अनुरागः, गुरुजनों से अनुराग करना प्रेम करना, श्रद्धा विनयशीलता च, श्रद्धा यानी विश्वास और विनयशीलता, ये सब के सब नीतिकारों के मत में नैतिकता के गुण हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। अनुत्सेकः, अनुत्सेकः, उत्सेक माने होता है दंभ अहंकार गर्व, उत्सेक अनुत्सेक दंभ रहित अहंकार रहित गर्व रहित, गर्व से दूर रहना, आतिथ्यम अतिथि सत्कार करना, न्यायावृत्ति न्यायावृत्ति ही न्याय का आचरण, परगुणेभ्य ईर्ष्या भाव, परगुणेभ्य ईर्ष्या अभाव, परगुणेभ्य दूसरों के गुण से ईर्ष्या का अभाव यानी जलन ना करना, दूसरे के गुण से ईर्ष्या का अभाव, सत्संगानुरक्ति सच्चे संगत, सत्संग अनुरक्ति सच्चे व्यक्ति के संगति में अनुरक्ति रखना, सत्संगानुरक्ति सत्संगानुरक्ति सत्संगति, सत्संग माने सत्संगति से अनुरक्ति, सत्संगति से प्रेम करना, सत्संगति से प्रेम, दुष्ट संगानुवृत्ति ही दुष्ट संगति के यानी दुष्ट व्यक्ति के संगति से निवृत्ति यानी छुटकारा पाना दूर रहना, विपदि धैर्यम विपत्ति में धैर्य धारण करना, अभ्युदय क्षमा अभ्युदय अभ्युदय में यानी जब उन्नति हो उन्नति काल में अभ्युदय में क्षमा क्षमा करना, और सदस्य वाक्पटुता सदस्य माने समाज में वाक्पटुता बाणी की पटुता यानी वाक्पटुता यानी अच्छे शब्दों का प्रयोग, ठीक है ना, बाणी में चतुरता जिसको बोलते हैं यानी सदस्य वाक्पटुता मतलब समाज में सदस्य माने समाज में क्या वाक्पटुता बाणी में चतुरता, और क्या समयस्य सदुपयोग समय का सदुपयोग इत्यादि इत्यादि नैतिकताचारा इत्यादि नैतिकता के आचरण इत्यादि नैतिकताचारा इत्यादि नैतिकता के आचरण एषाम आचरणेन आचरण है एषाम आचरणेन एव व्यक्ते समाजस्य एषाम आचरणेन एव एषाम माने इनके इनके आचरणेन एव आचरण से ही इनके आचरण से ही इनके प्रयोग करने से ही व्यक्ते व्यक्ति का समाजस्य समाज का राष्ट्रस्य राष्ट्र का विश्वस्य सा और
विश्वस्य सा और पूरे संसार का सर्वथा कल्याणम संपद्यते, हमेशा कल्याण होता है। धन्यवाद देवियों। इसको पढ़ने के बाद इसमें मैं जो बताऊंगा वो आप क्या करेंगे, वो टिक लगा करके उसको आप क्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।